कि हाल ही में पुलवामा में जो हमला हुआ है, जो 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, उसके बाद जो युद्ध उन्माद का माहौल, वॉर मॉन्गरिंग का जो दौर चल रहा है देश में कि मार दो, खत्म कर दो, इसके बारे में आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं? अगर कुछ अली सिकंदर और तिग्मांशु सर आप लोग बता पाएं। आप Tigmanshu, simple question. The film industry has come together, united, and they have decided that films will not be released in Pakistan. Pakistan will be excluded as the foreign market. Your take on the same, and will Milan Talkies be releasing in Pakistan? No, it will not be released in Pakistan. For two reasons. First, this, like you're saying, we stand in solidarity. And दूसरी चीज, piracy जो होती है वो पाकिस्तान से ही होती है. तो हमको कभी भी पाकिस्तान में पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, इन स्पाइट ऑफ कुछ रीजन, चाहे कुछ भी हो. साल के जवाब नहीं देंगे अली एंड ऑल थ्री ऑफ यू कैन यू जस्ट गाइस वी हैव द लास्ट क्वेश्चन लास्ट कैन यू प्लीज आल्सो जस्ट हैव सम व्यूज से योर व्यूज ऑन इट अली नो कहना चाहेंगे आप कोई राय रखते हैं जो वॉर मॉन्गरिंग का दौर चल रहा है इस बारे में कोई राय रखते हैं नहीं वी आर ऑल इन सॉलिडैरिटी मतलब वही है कि मैं पहले भी किसी को बोला था डिमोनेटाइजेशन के वक्त हम सब इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं इस समय भी अब सब सबके पास सॉल्यूशंस हैं आई थिंक वी शुड ट्रस्ट द आर्मी दे आर डूइंग देयर जॉब नोबडी कैन नो डिस्ट्रक्शन मोर देन अ सोल्जर एंड आई थिंक या वी हैव गॉट अ ग्रेट ग्रेट आर्मी वी जस्ट हैव टू स्टैंड इन सॉलिडैरिटी बिकॉज आवर कंट्री कम्स फर्स्ट सिकंदर आप कुछ एक सेकंड सिकंदर वांट्स टू स्पीक आई जस्ट थिंक इट्स इजी फॉर मी टू स्टैंड हियर एंड से गो एंड किल बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एंड किलिंग राइट सो अगेन आई एम सेंडिंग द जवान्स ओनली So as Ali rightly said, the army knows what they're going to do. They are वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं ये उनका सो आई मीन ऑफ कोर्स वे ऑल इन सॉलिडारिटी वे ऑल विद इंडिया यू नो एंड लीव इट टू द प्रोफेशनल्स बट आई एम नॉट गोइंग टू से गो गो किल किल गो गो बिकॉज आई एम नॉट गोइंग देयर सो आई एम वी आर विद देम वी आर कम्प्लीटली विद देम एंड वी कम्प्लीटली कंडोन वॉट इज हैपन बट लेट देम दे आर गोइंग टू डू वॉट दे हैव टू डू यू नो सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? I would like to add to this if you don't mind, sir. मेरे पापा आर्मी में रह चुके हैं 30 इयर्स उन्होंने सर्व किया ही रिटायर्ड एज अ कर्नल ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर तो बचपन से मैंने ऐसी खबरें बहुत सुनी हैं देर वर टाइम्स वैन वी वुड बी अफ्रेड अबाउट पापा एंड वी वर पोस्ट ही वॉज पोस्टेड एंड वी वर इन अ पीस स्टेशन बट उनके कॉल के लिए हम लोग बहुत वेट करते थे इनफैक्ट वी वुड बी लाइक जस्ट वेटिंग फॉर हिज कॉल एंड टू हियर हिज वॉइस एंड टू नो दैट ही इज ओके तो we have seen death very closely. We have seen Papa's coursemates dying on field. We have seen my friends becoming orphans in a matter of like, you know, minutes. So I feel like this is a very sensitive topic. Having said that, like we said, the army knows what it's doing. And war is easy to say, easy to make films on. But it's a whole different scene out there. So I think we should keep our opinions, we should be opinionated, but at the same time, we should put all our trust in the government and the army. I think they know what they're doing. Sir, आप कुछ नहीं मैं कम्प्लीटली जो इस बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं है जो श्रद्धा ने और सब तीनों ने कहा है मैं उससे बिल्कुल कम्प्लीटली इत्तेफाक रखता हूँ फौज को पता है उन्हें क्या करना है सर सर ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया है इससे क्या आप सहमत हो कि ये ठीक हो रहा है या नहीं फिलहाल तो बैन होना ही चाहिए जिस तरह की स्थिति है जब स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम भी अपने बाहें फैला लेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं अली सर थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच या